नेतन्याहू की तरफ से एक बड़ी बात बंधकों को लेकर कही गई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यह बड़ा ऐलान, जहां बंधकों को वापस लाने की चल रही है बातचीत। हमने हमास को समझौते के लिए मजबूर किया है, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। और ये इस आधार पर कहा गया कि ग्राउंड ऑपरेशंस के बाद अब हमास भी दबाव में है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि अमेरिकी मीडिया का यह कहना है कि बंधकों को छुड़ाने की इसराइल और हमास के बीच डील चल रही है। डील में आखिर है क्या, समझते हैं इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए, क्योंकि जंग के इस हालात के बीच में। और प्रोफेसर अमिताभ, मैं चाहूंगी आप प्लीज मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि हमास जिस तरीके से विदेशी नागरिकों को रिहा करेगा, ये बात इसराइल कह रहा है कि उसके बदले हम फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेंगे। क्या ये डील एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अगर ये बातचीत हो रही है तो क्या उसमें हमास उस बात के लिए भी साफ तौर पर राजी हो जाएगा, जब इसराइल कहेगा कि वो गाजा में सीज फायर के लिए तैयार होगा, हमलों को रोकेगा, तो आईडीएफ भी जाहिर सी बात है अपने हमले बंद कर देगा। ये बात उस बयान के आधार पर कह रही हूं, जहां पर नेतन्याहू ने ये साफ तौर पर कहा है कि इसराइल में गाजा में मानवीय मदद पहुंचने भी तब दी जाएगी, लेकिन प्राथमिकता है बंधकों तक पहुंचना। और हमास क्या ऐसे में इसराइली नागरिकों को छोड़ेगा? देखिए, हमास ने अब तक जो किया है उसका नॉर्थ गाजा पूरा जो उनका बेस था वो खत्म हो गया है। हमास ने पहले भी एक सोल्जर को पकड़ा था, उसके बदले इसराइल ने 1100 फिलिस्तीनी बंधक जो थे या जो कैदी थे जो इसराइल में, उनको वापस किया था। तो ऐसा प्रेसिडेंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। इसकी इनका सारा लॉजिस्टिक्स खत्म हो गया है नॉर्दर्न गाजा में, उनके पास अब बचने के लिए है नहीं। लेकिन इन 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 टनल्स में कितने हॉस्टेजेस मारे गए हैं ये भी अभी तक क्लियर नहीं है, और शायद ये हमास को भी पता नहीं है क्योंकि सारे कम्युनिकेशन लिंक बंद हैं। अगर वो छोड़ते हैं बंधकों को, क्योंकि छोड़ेंगे 10 को तो पता चलेगी कि अंदर की विभीषिका क्या है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि वो छोड़ेंगे तो वो काउंटेड मेजर्स में नहीं छोड़ेंगे। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ये हमारे ग्राउंड ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि हमास अब मजबूर हो चुका है, हमास ये मजबूर हो चुका है कि अब वो बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत के लिए राजी है, इसीलिए बात हो रही है रिहाई की डील को लेकर। देखिए, हमास उन बंधकों को करेगा क्या ये भी तो एक सोचने का, तो मार तो सकता नहीं, इंटरनेशनल प्रेशर्स है। और जिस तरह से इनका दायरा सिमटता जा रहा है हमास के ऑपरेशंस का, उनमें ये तो बहुत क्लियर है कि किसी ना किसी समय इनको छोड़ना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकते हैं, जाहिर है उनके इसराइलियों को छोड़ेंगे, बंधकों को छोड़ेंगे, और बंधकों को रखना वो क्यों रखना चाहेंगे। हालांकि हमास ने जो किया ये तो एकदम से भर्त्सना और निंदनीय है ही। Exactly. साथ साथ इसने इसके आगे क्या होगा, क्योंकि अब तक इस आगे के आगे क्या होगा, ऐसे में मिडिल ईस्ट कितने हॉस्टेजेस बचे हैं ये भी बड़ा एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच नेतन्याहू की अब तक की सबसे बड़ी धमकी भी सामने आ चुकी है। एक और बड़ी खबर है, पूरे अरब वर्ल्ड को नेतन्याहू की ये धमकी, हितों की रक्षा चाहते हैं तो सुन ले, अरब देशों को चुप रहने की यह नसीहत दी गई है। वॉर के बीच नेतन्याहू का ये वाकई चौंकाने वाला बयान सामने आया है। इस बयान में और क्या क्या कहा गया है, नेतन्याहू की खुली धमकी, इसराइल वर्सेस अरब देश हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए ही आप देखिए किस तरीके से नेतन्याहू की ये धमकी सामने आई है। जहां अरब देशों को नेतन्याहू की ये धमकी है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बात करते हुए कहने की, जिसमें कहा है कि अरब देशों को नेतन्याहू ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो चुप रहें। इंपॉर्टेंट ये भी है कि अपने हितों की रक्षा करें अरब देश, इस बात पर फोकस करने की बात कही है। गाजा के मुद्दे पर चुप रहने की बात कही है, अरब मुल्क इस पर चुप रहें, इसराइल के दुश्मनों को हम नहीं छोड़ेंगे ये चेतावनी दे दी गई है, और हमास के अंत तक हमले बंद भी नहीं होंगे ये दोहरा दिया गया है। हालांकि इसराइलियों की मौत का बदला लेने की बात दोहराई गई है, और ये भी साफ तौर पर कहा है कि बंधकों को छुड़ाना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इस बीच नेतन्याहू के बयान की टाइमिंग और उससे उठ रहे सवालों पर गौर करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए अरब देशों को देखते हुए जिस तरीके से बात कही गई है, अपने हितों की रक्षा करनी है तो अरब वर्ल्ड चुप रहे, इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कही गई है। टाइमिंग को लेकर बात इसलिए और इसके 5 संभावित परिणाम आपके सामने इसलिए रख रही हूं, क्योंकि OIC और अरब लीग मीटिंग के वक्त ये बात कही गई है, जहां अरब वर्ल्ड रिएक्ट जाहिर सी बातें करेगा और अमेरिका भी क्या इससे असहज होगा। इनफैक्ट मैं चाहूंगी शैलेंद्र सर आप प्लीज मुझे इस इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करिए, क्योंकि इन 5 संभावित परिणामों की जहां तक बात कर रही हूं तो जाहिर सी बात है दुश्मनों को ये मौका मिलेगा, और इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है इस परिणाम को देखते हुए समझते हुए इस बयान को कि मुस्लिम वर्ल्ड नाराज होगा और इजरायली हित भी जाहिर सी बात है प्रभावित होंगे। देखिए, अरब वर्ल्ड रिएक्ट करेगा, 57 देशों ने मीटिंग कर ली, आपको रिएक्शन दिख गया। एग्जैक्टली क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया, आपको दिख गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, एग्रेसिव लैंग्वेज होनी भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप भी उतना ही घबराए हुए जितना मैं घबराया हुआ हूं, जितना मैं आपके ऊपर चढ़ा हुआ हूं। दुश्मनों को मौका मिलेगा, कौन है दुश्मन,
मैं ये जानना चाहता हूँ, टेररिज्म दुश्मन कॉमन है अगर आपके मेरे बीच में तो मुझे मंजूर है, अगर आप हमास को दुश्मन नहीं मानते हैं तो मुझे मंजूर नहीं है। ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। बात तो आपने पहले ही कह दी कि कोई बोलने को तैयार नहीं है कि ये टेररिज्म है। तो भाई आप डिसाइड कर लीजिए ना, तो फिर आप यहाँ रिएक्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए किसकी साइड लोगे? बट आप इन पर तो दबाव बना रहे हैं, तो लड़ाई इसकी और इसकी है। इट इज ऑल वर्सेस अमेरिका। यस, इट इज ओनली वर्सेस अमेरिका। और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता, देखिए गलत है सही है आप लोग डिसाइड करिए, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ये लड़ाई उसके पलड़े में उसकी जमीन पर आ जाए। ये इस समय अमेरिका की क्लियर कट पॉलिसी है। आप यूक्रेन को सपोर्ट करें कि कल आप इसराइल को सपोर्ट करें, लड़ाई मेरे यहाँ नहीं आनी चाहिए। बट हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो मुस्लिम वर्ल्ड की इस नाराजगी पर तो अवॉइड नहीं कर सकते इसे। मैं आपसे, आप मुस्लिम बन जाइए, मुझे बताइए क्या नाराजगी है, मैं अभी आपको सॉल्व कर देता हूँ। बोलिए क्या है, क्या नाराजगी है आपको हमसे एज इसराइल? मेरा एग्जिस्टेंस आपकी नाराजगी है, मैं आपकी नाराजगी जड़ से खत्म कर दूंगा, क्योंकि आपने हमास के थ्रू ये नाराजगी जाहिर करी है, इसलिए इस हमास को जड़ से खत्म करूंगा। सोच खत्म नहीं कर पाऊंगा लेकिन सोच से लड़ता रहूंगा। लेकिन इजरायली हित ही तो टारगेट करने थे, वही तो मकसद था, वही तो जाहिर सी बात है ऐसे में प्रभावित होंगे। इजरायल के हित कौन सा ऐसा है जो टारगेट कर दिया आपने सिवाय किलिंग के? इसके अलावा तो आपने कुछ नहीं उखाड़ा। तेल बंद नहीं किया, डिप्लोमैट्स आपने बंद नहीं किए, वो एक दो तीन ने सेरेमोनियली कर दिए। आप तो 57 कंट्री हो भाई, एग्जैक्टली बंद तो करके दिखाओ, तेल बेचना बंद करके तो दिखाओ, आप करिए ना। मैं ये कह रहा हूं आप कौन सा ऐसा हित है सिवाय इसके कि आपने उन्हें फिर से जगा दिया, इस सोते हुए शेर को आपने जगा दिया कि ले तेरे हमने 1200 लोग मार दिए। अब आप देखिए जब आप कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं भाई त्राहिमाम त्राहिमाम, क्या करूं? बिल्कुल सर।